अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न विद आमना। उर्दू की ग्रामर के हवाले से सबक नंबर 6 पे बात करेंगे। हमने जैसे कि पढ़ा था हर्फ और लफ्ज़, लफ्ज़ की अकसाम भी हो चुकी थी। अब आज बारी आती है उसकी सरगर्मी की। सरगर्मी है कलमा और महमल अलग अलग करें। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से एक जो है वो कलमा है और एक महमल है। हमने बच्चों को बताना है कि किस तरह के लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है और किस तरह के लफ्ज़ को महमल कहा जाता है। तो इस सरगर्मी में हम ये चीज़ हल करेंगे। लफ्ज़ है पानी वानी। ये अक्सर हमारी जो रूटीन में अल्फाज होते हैं कि हम एक तो लफ्ज़ होता है बामानी, उसके साथ एक इजाफी लफ्ज़ लगाते हैं तो उसको महमल कहते हैं। अब इसमें हमने पानी को कलमा के खाने में लिखना है और वानी को महमल के खाने में। पानी और वानी हो गया महमल। रोटी वोटी। रोटी जो है एक चीज़ का नाम है और बामानी है, लेकिन वोटी किसी चीज़ का नाम नहीं है, लिहाजा ये महमल के खाने में आएगा। कागज़ वागज़। कागज़ का मतलब होता है और एक चीज़ का नाम है, लिहाजा कलमा में आएगा और वागज़ इधर आ जाएगा। नेक्स्ट है बात चीत। बात कलमा, चीत महमल। खाना वाना। खाना कलमा, वाना महमल। कलम शलम। कलम कलमा, शलम महमल। एक और सरगर्मी कर लेते हैं। कलमा और महमल के लिहाज से एक और सरगर्मी है, सरगर्मी नंबर 2। मुनासिब कलमा को मुनासिब महमल से मिलाएं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हम कलमा के साथ महमल अक्सर यूज़ करते हैं, तो जो मशहूर कलमा के महमल हैं हमने इधर लिख दी हैं, अब हमने इनको इसके साथ मिलाना है। जैसे कि टाल है, तो टाल के साथ हम कहते हैं टाल मटोल कि जी वो मेरी बात सुन के टाल मटोल कर रहा है, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है शोर। हम अक्सर कहते हैं इसने शोर शराबा मचाया हुआ है, तो शोर को हम शराबा से मिलाएंगे। शराबा कोई लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए ये महमल है। गाना वाना। गोल और मोल। गोल मोल। झूठ मूठ। मिलना जुलना। मेल आगे आ जाएगा कुचेल। इस लिहाज से हम कलमा और महमल की सरगर्मियों को क्लियर करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो और लेसन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी हिट करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए उनवान के साथ। अल्लाह हाफिज़।